पीयूष और शालिनी पति पत्नी थे। शालिनी बेहद खूबसूरत थी। उसके गोरे चेहरे, लाल मखमली होठ और पतली कमर का हर कोई दीवाना था। पीयूष, क्या कर रहे हो आप? अरे क्या है, मैं अब तुम्हें हग भी नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकते हो, मगर जब आप मुझे कहीं घुमाने ले चलो। शादी को 3 साल हो गए हैं। वो शीला का पति देखो, उसे हर संडे फिल्म दिखाने ले जाता है। मैं मानता हूँ जान कि मैं तुम्हारी विश पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मैं लाचार हूँ। बॉस तनख्वाह बढ़ाते नहीं है और इतनी सैलरी में घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे मैं तुम्हें घुमाऊं तो घुमाऊं कैसे? तो क्या पूरी जिंदगी मुझे इसी तरह आपकी और आपकी माँ की सेवा में काटनी पड़ेगी? शादी के टाइम तो बड़ा बंठन कर गए थे, पता रहता कि आप भिखारी हो तो शादी भी नहीं करती हमें आपसे। अच्छा मेरी जान ये सब छोड़ो, अरे मैं ये बोल रहा था कि आज बॉस खाने पर आ रहे हैं तो तुम कुछ अच्छा बना देना, क्या पता इसी बहाने मेरा प्रमोशन हो जाए। आप पूरी दुनिया को खुश करते हो सिवाय मेरे। शालिनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और पीयूष भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अरे शालू देखो जरा हमारे घर कौन पधारे हैं। शालिनी पीयूष की आवाज सुनते ही अपने कमरे से बाहर आती है। लाल रंग की साड़ी में वे कहर ढा रही थी। बॉस उसे देखते ही अपना होश गवा बैठता है और कुछ देर तक उसे देखता ही रहता है। पीयूष समझ गया था कि बॉस को उसकी बीवी पसंद आ गई है। शालिनी आप क्या करती हैं? जी मैं हाउसवाइफ हूँ। आप कोई काम क्यों नहीं करती? आप मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, आजकल औरतों का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। जी मुझे कहाँ कोई काम आता है। आप हमारी कंपनी में मॉडल का किरदार कर सकती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे बता देना, मुझे आपके हाँ का इंतजार रहेगा, ठीक है? बॉस खाना खाकर चला जाता है और वही शालिनी, अरे इतना अच्छा ऑफर तुम कैसे ठुकरा सकती हो, हमारी लाइफ बदल सकती है। वो ठरकी बुड्ढा मुझ पर लाइन मार रहा था, आपको दिखा नहीं क्या? अरे तो क्या हो जाएगा, अरे तुम उसके संग प्यार का नाटक कर लो ना, ये तो सोचो हमें रोज रोज की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। शायद आप ठीक कह रहे हो, मैं सुबह ही ऑफिस जाती हूँ। शालिनी भी पीयूष की बातों में आकर बहक जाती है। पैसों के लालच में उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। सुबह होते ही शालिनी ऑफिस के लिए निकल पड़ी। मैं आई कम इन सर। अरे शालिनी आप, हाँ अंदर आओ ना। ठरकी बुड्ढा अपने चेयर से उठकर बाहर आता है और शालिनी को पीछे से पकड़कर बैठ जाता है। बताओ कैसे आना हुआ आपका? दरअसल सर आपने जो मुझे ऑफर दिया था उसके बारे में मैंने बहुत सोचा और मुझे लगता है कि घर की हालत भी कुछ अच्छी नहीं है, तो ये जॉब कुछ मदद दे देगी मुझे। बिल्कुल सही सोचा है, मैं बहुत खुश हूँ, आपके जैसे मॉडल की इस कंपनी को बेहद ही जरूरत है। शालिनी नशीले अंदाज में अपने चेयर पर से उठती है और बॉस के करीब जाती है। अपने हाथ से बॉस का टकला सहलाने लगती है और उसकी गोद में बैठ जाती है। सर मेरी सैलरी कितनी होगी? जितना आप बोले। सर आप तो इतने ज्यादा जवान दिखते हो कि आपकी उम्र का अंदाजा ही नहीं लगता। मैं तो आपकी पर्सनैलिटी की दीवानी हो गई हूँ। ठरकी बुड्ढा मौके का फायदा उठाते ही शालिनी को अपनी बाहों में ले लेता है। अचानक से कैबिन का दरवाजा खुलता है। शालिनी पीयूष को देखकर बुड्ढे की गोद से हड़बड़ाहट में उठ जाती है। पीयूष तुम? हाँ मैं, क्या हुआ? तुम मुझे इस बुड्ढे के साथ मिलकर धोखा दे रही हो चंद पैसों के लिए है? जुबान संभाल कर बात करो, मैं तुम्हारा बॉस हूँ। अरे तू मेरा बॉस था अब है नहीं, मैं ये 2% की नौकरी छोड़ रहा हूँ और तुम मुझे अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। पीयूष प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? पीयूष दरवाजा पीटते हुए वहाँ से चला जाता है। अरे तुम रो क्यों रही हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और आपकी पत्नी का क्या? अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम बस मेरे साथ चलो। बॉस शालिनी को अपने घर ले जाता है। रमा उसे देखकर परेशान हो जाती है। अरे ये कौन अबला नारी है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है, चलो जाओ यहाँ से, मेरे लिए चाय बना कर लेके आओ। रमा रोते हुए वहाँ से चली जाती है। रात के 1 बज रहा होता है।
रमा शालिनी के कमरे में आती है। बुड्ढा शालिनी को जकड़कर सो रहा होता है। रमा का दिल टूट जाता है और वो शालिनी को खींचकर बाहर ले आती है। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो, मैं तुम्हें देती हूँ, मगर मेरी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद मत करना। ये क्या कह रही हो आंटी, मैं तो इनसे प्यार करती हूँ, चलो मुझे जाने दो वापस। शालिनी एक कातिलाना स्माइल करते हुए पीछे मुड़कर उसे देखती है। रमा उसे खींचते हुए दरवाजे के पास लेकर आती है कि तभी शालिनी को पास पड़े फल के टोकरी में एक चाकू मिल जाता है और वो रमा को पेट में घोंप देती है। रमा वही तड़प तड़प कर मर जाती है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, ये बुढ़िया तो टपक गई। हेलो पीयूष, एक गड़बड़ हो गई मेरे से। अरे काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम उस बुड्ढे को अपने प्यार के जाल में फंसा कर उसकी तिजोरी साफ करना, और तुमने इतनी बड़ी गड़बड़ कर दी। तुम कहीं जाना मत, मैं आ रहा हूँ। पीयूष अपना चेहरा छुपाकर बॉस के घर पहुँचता है। तब तक शालिनी ने रमा की लाश को ठिकाने लगा दिया होता है। अरे जल्दी से बुड्ढे के लॉकर से सारे गहने और पैसे निकालो, हमें उसकी नींद खुलने से पहले यहाँ से भागना होगा कहीं दूर, वरना दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ेंगे। शालिनी जल्दी जल्दी सारे गहने और पैसे बांधने लगती है और पीयूष बुड्ढे पर नजर रखता है। जैसे ही शालिनी और पीयूष घर की चौखट पर पहुंचते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और अजीब सनसनाहट सुनाई देती है। किसी के गुर्राने की आवाज आ रही होती है। पीयूष, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई है। अरे बच्चों जैसी बात मत करो यार, यहाँ तूफान है बाहर। आवाज तेज होने लगती है और शालिनी के करीब पहुँच जाती है। शालिनी को अपने पास किसी के होने का एहसास होता है। वह कांपने लगती है और वहीं खड़ी रह जाती है। शालिनी चलो, क्या कर रही हो? पीयूष यहाँ कोई है, मुझे लगता है रमा का भूत है, वे बदला लेने आई है मुझसे, वो मुझे मार डालेगी। पीयूष पीयूष उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर जाने लगता है। तभी अचानक एक चुड़ैल आ जाती है और जोर जोर से गुर्राने लगती है। ठहरो, इतनी जल्दी क्या है बबुआ, अभी तो हमसे सामना बचल बानी तोहार लोगों के। अजीब सी भाषा सुनकर शालिनी और पीयूष पीछे मुड़ जाते हैं। पीछे रमा का भूत खड़ा होता है। बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। प्लीज हमें छोड़ दो, तुम चाहे तो ये पैसा गहने सारे वापस ले लो, हम ये शहर छोड़कर चले जाएंगे। इतनी आसानी से कैसे छोड़ देवे तो हार दूनू के, ललुआ समझ रखी है क्या हमार? बहुत शौक है ना तोरा दूसरों के मर्द के साथ सोए के, अब जा नरक में यमराज के साथ सोए ही। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। चुड़ैल शालिनी के पास जाती है। चुड़ैल शालिनी को उठाकर जमीन पर फेंक देती है। शालिनी दर्द से कर्रा उठती है। शालिनी खून से लथपथ हो जाती है। शालिनी खून से लथपथ होकर वहीं पर मर जाती है। इधर पीयूष डर से थरथर कांप रहा होता है। तोरा हम कुछ ना करी, काहे कि हम तेरा तड़पे देखना चाही है। कुछ देर में पुलिस वहां आ जाती है और पीयूष को शालिनी के मर्डर के इल्जाम में पकड़ कर ले जाती है। रमा की आत्मा को शांति मिल जाती है और पीयूष जेल में जिंदगी भर चक्की पीसता रहता है।